मार्क जकरबर्ग ने सबसे बढ़िया काम कर दिया, व्हाट्सएप में ही मेटा एआई को डाल दिया, जिससे चैट जीपीटी और गूगल की छुट्टी हो गई। भाई मुझे तो मेटा एआई मिल गया। अब सवाल यह है कि कैसे मेटा एआई को डाउनलोड, इंस्टॉल और यूज करें। और अगर आप एआई को नहीं जानते तो आप वाकई में बहुत पीछे हो। एआई को लाइफ में उतारना और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसी के मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूजेस शेयर करूंगा। बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक रुकना, आपके लिए सरप्राइजिंग फीचर्स लास्ट में वेट कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गो। मेटा एआई सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। अभी कुछ दिनों में सारे इंडियन व्हाट्सएप पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। सिंपल है, जिनको ये नहीं मिला वो मेटा एआई को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप को अपडेट करके। मैं पर्सनली इसका बहुत वेट कर रहा था कि मेटा एआई आ जाए। इसके लिए व्हाट्सएप के बेटा टेस्टर में भी ज्वाइन हुआ, पर फिर भी नहीं मिला। फिर एक दिन किसी काम के लिए कंप्यूटर के व्हाट्सएप को ओपन किया, तब मुझे ये आइकन दिखा और उस दिन मैं इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे वीडियो का टॉपिक मिल गया था। फिर मोबाइल ओपन किया तो मेटा एआई का आइकन नहीं था। मैंने व्हाट्सएप को अपडेट करके भी चेक किया, बट नथिंग वर्क्ड। कई बार हम प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा करके देखते हैं कि सॉल्यूशन उसके पास में ही होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। फिर मोबाइल को साइड में रखा, फिर जो था यानी कंप्यूटर में ही चैट स्टार्ट की। कुछ घंटों चैटिंग करने के बाद मैंने कंप्यूटर को बंद कर मोबाइल के व्हाट्सएप को खोला, तब मुझे मेटा एआई की चैट हिस्ट्री दिखी जो मैंने कंप्यूटर के व्हाट्सएप पर की थी। अच्छी बात तो यह है कि अभी मैं मोबाइल में मेटा एआई को यूज कर पा रहा था। इमेज जनरेट, एनिमेट और काफ़ी कुछ ट्राई किया, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। मैं पर्सनल और ग्रुप चैट्स में @ से मेटा एआई को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर के व्हाट्सएप में कर पाता हूँ। अब कोई नहीं, जैसा है वैसे ही काम चला लेते हैं। मैंने चेक किया, इसका कोई व्हाट्सएप नंबर है नहीं। इस कॉन्टैक्ट को दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके भी चैट करने का ट्राई किया, बट नॉट वर्क। एक्चुअली रोल आउट का प्रोसेस स्टार्ट है, धीरे धीरे सारे इंडियंस को ये रोल आउट हो जाएगा, तो हमें इसको वेट करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एआई को मैं तब से यूज कर रहा हूँ जब से चैट जीपीटी आया है। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को एआई से सॉल्व करवा कर अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना सकते हो। अभी मैं एआई को यूज करने के बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके शेयर करूंगा, बस आपको वीडियो को दिमाग लगाकर देखना है। बट अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसके लिए कौन सा नाश्ता टेस्टी और हेल्दी है? आलू सूजी ठीक है, इसकी रेसिपी दो। बढ़िया पॉइंट्स में समझाया है। और लंच के लिए दाल बाटी चूरमे की रेसिपी दो, यम्मी है ना। ये किसको पसंद है मुझे कमेंट्स में बताओ। आपके करियर का क्या गोल है? आईएएस मान ले, मेटा आपका इंटरव्यू भी लेता है। मैंने दिया, अच्छा था। क्वेश्चंस के ऊपर फॉलोअप क्वेश्चंस पूछता जा रहा था और मैं आंसर देता जा रहा था, साथ में एडवाइसेस भी यूजफुल थी। आपके घर में भाई बहन हो, साइन थीटा कॉस थीटा को भूलने की आदत है, ढूंढने के लिए किताबें पलटते हैं, उसके लिए मेटा एआई एक अच्छा ऑप्शन है। बट सेम है गूगल की तरह, कोई भी प्रॉब्लम्स का फोटो खींच के सेंड करने पर यह आपको रिप्लाई नहीं देगा। इससे बढ़िया तो गूगल लेंस है, क्योंकि फिलहाल ये डेवलपमेंट में है और ऐसी सिचुएशन के लिए गूगल लेंस ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, मेटा एआई में टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करते करते ये कभी थकता नहीं और पैसे भी नहीं मांगता। ये गूगल की तरह अनलिमिटेड इमेज जनरेशन फ्री देता है, बट गूगल की इमेज रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है और इसकी कम। गूगल ह्यूमंस को जनरेट नहीं करता और ये एक वाटरमार्क के साथ कर देता है। हे कम ऑन, फोटो जनरेशन को आप लिमिटेशन से मत देखो। आप इसे प्रोफेशनल और यूनिक इमेजेस जनरेट करवा के थर्ड पार्टी वेबसाइट से फेस स्वैप कर अपनी गुड लुकिंग और क्रिएटिव इमेज जनरेट करवा के डीपी और स्टेटसेस पे लगा सकते हो। दिस नेवर स्टॉप्स हियर, एनिमेट दिस टाइप करते ही फोटो से गिफ्स बन जाती है, पर वीडियोस नहीं। ये गिपी भी कमाल है। आप इससे दिवाली, होली, फ्रेंडशिप डेज जैसे अलग अलग गिपीज क्रिएट करके स्टेटसेस पे लगा सकते हो, थोड़ा यूनिक सा लगेगा। X0 में तो मैंने हरा दिया, इसको खेलना तो नहीं आता। और टेक्स्ट रिलेटेड जो कुछ भी हो, समराइज करना, ट्रांसलेट और रीराइट करना सब हो जाता है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, अपनी प्रॉब्लम को एआई को समझाना है और उसे सॉल्यूशन करवा देना है। इंग्लिश में तो ये वेल ट्रेंड है, पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कभी ये बातें समझ नहीं पाता। एक फैक्ट बताऊं, गूगल और यूट्यूब का जो सर्च है वो मजबूत है, इसका मुकाबला इंस्टाग्राम नहीं कर पाता। ऐसे सिचुएशन में कई रील्स और पोस्ट हमको सर्च करनी होती है, जो हम मेटा एआई से भी मांग सकते हैं।
हालांकि ये गूगल से कम्पीट तो नहीं करेगा, पर फिर भी ठीक है। ये फीचर्स तो वो है जो चैट जीपीटी और गूगल पहले से ही दे रहे थे, पर अब व्हाट्सएप खोल के डायरेक्ट उसको यूज़ करना एक शॉर्ट तरीका है और इसी से चैट जीपीटी और गूगल की काफ़ी यूजर्स की छुट्टी हो जाएगी। पर अब जो सरप्राइजिंग फीचर्स बताने जा रहा हूँ उससे आप भी मेटा एआई के फैन बन जाओगे। सही में अगर ये फीचर्स आ गए तो पूरा मार्केट ही हिल जाएगा। एक बार तो अभी तक आप टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर रहे थे, इमेजेस को एडिट कर पाओगे, बीजी रिमूव कर जैसे पपीज चाहिए तो वो भी जनरेट हो जाएंगे, कोई भी लर्ट्स फिल्टर्स या इफेक्ट्स भी डायरेक्टली टेक्स्ट से अप्लाई हो जाएगा। व्हाट्सएप के एआई में अलग अलग कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे जिनका अपना खुद का अलग अलग रोल होगा, जैसे फिटनेस हेल्थ, जैसे एक्सपर्ट से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर और प्रोडक्टिव बन पाओगे। वैसे ये फीचर्स तो फिलहाल डेवलपमेंट में है, वेट करना और सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्जी। लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।